माजी महुआ समाज ने समाज जिला अध्यक्ष के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने पर कोतवाली थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंप कार्रवाई की मांग की। नगर मुख्यालय स्थित भाजपा कार्यालय में गत दिवस माजी महुआ समाज के जिला अध्यक्ष वार्ड नंबर 21 के पार्षद मानक बर्वे के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर गाली गुप्तार कर जान से मारने की धमकी देने के लिए दिलीप चौरसिया एवं प्रज्वल चौरसिया पर शीघ्र FIR दर्ज करने की मांग को लेकर वार्ड वासियों के द्वारा कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कर ज्ञापन सौंपा गया। BNN टाइम्स के लिए बालाघाट से दुर्गा शरणागत की रिपोर्ट। 3 तारीख को वार्ड नंबर 21 की रोड का जो सीमेंटरीकरण का काम चालू था, उस कार्य को शाम 4 बजे चौरसिया द्वारा बंद करवा दिया गया और मात्र एकमात्र व्यक्ति के कहने पर उसको रुकवा दिया गया। रात में भाजपा कार्यालय में 10 बजे मीटिंग थी। मीटिंग के उपरांत करीब 11 बजे दिलीप चौरसिया और प्रज्वल चौरसिया दोनों भाजपा कार्यालय में आए और उन्होंने, मैंने जैसे ही बोला कि ये दिलीप ये रोटियों बंद करा दिया तो मेरे पे सीधे गाली उतार से दोनों बाप बेटे उतारू हुए, उन्हें अभद्र व्यवहार किए, गाली गुप्तार किए, मारने की धमकी दी है और बहुत ज़्यादा मतलब उस समय मैं भी कुछ कर सकता था लेकिन मैंने वहाँ पर सभी पदाधिकारी थे भाजपा के, मेरे को पकड़ लिए, भैया आप समझदार हैं, आप चुपचाप हो, मैं शांत रहा। मैंने भाजपा के कार्यालय का सम्मान करते हुए, भाव का सम्मान करते हुए किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार नहीं किया। इस कारण से मैंने ना किसी को अपने परिवार में, मैंने अपने लड़के को बताया, ना ही मेरे समाज के लोगों को बताया। आज 3 दिन बाद समाज के लोगों को जब मालूम पड़ा कि आपके साथ ऐसा अभद्र व्यवहार किया गया, मारपीट की जब इतनी बड़ी घटना होने वाली थी, आप लोगों ने हमें बताया नहीं, इसलिए आज आक्रोशित होकर समाज के लोग सभी लोग थाने में इसकी FIR करने के लिए मौजूद है। बताएंगे कि क्या किस प्रकार की कार्रवाई चाहते हैं? अब समाज के लोगों का यही है कि हमारे समाज के जिला अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर जब इतनी बड़ी अभद्रता और गाली गुप्तार हुई है तो उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और उनको तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए। और एक चीज़ बता दूं, दिलीप चौरसिया के नाम से 1 साल से स्थायी वारंट भी निकला हुआ है और उसकी आज तक की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। ये माजी मछुआरा समाज के लोगों द्वारा एक आवेदन पत्र थाने में प्रस्तुत किया है। इनके जिला अध्यक्ष के साथ में कुछ लोगों ने अभद्र व्यवहार किया था, इस संबंध में आवेदन पत्र दिया है। जांच उपरांत जो भी आधारित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर, कुछ उनने आरोप भी लगाया है कि जिसके खिलाफ उन्हें आवेदन दिया है थाने में, उसके खिलाफ में कुछ वारंट वारिंग भी है खुद? हाँ, उन्होंने आरोप लगाया है, हम उसका रिकॉर्ड दिखवाते हैं और रिकॉर्ड दिखवाने के बाद में और जाँच के बाद में जो भी आधारित कार्रवाई होगी वो करेंगे।